शुरू अल्लाह के नाम के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बनाने जा रही हूँ आज कलेजी की रेसिपी, और आप बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी कम टाइम लगे उतनी ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अमूमन जो न्यू कुकिंग करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा मुश्किल रेसिपीज़ अच्छी नहीं लगती या उनको बनाने में मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाऊं और जिनमें बहुत ज़्यादा यानी ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना हो जो बनाने में उनको मुश्किल पेश आए। इसलिए आसानी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं पसंद भी करती हूँ। तो जी, तो ये है कि चिकन कलेजी। अमूमन जो है घरों में चिकन बनाते वक्त अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं जैसे मैं करती हूँ, कि मैं कलेजी को अलग कर देती हूँ, एक बाउल में उसकी कलेजी रख देती हूँ। चिकन तो आम तौर पर बहुत ज़्यादा ही पकने वाली हर घर में रेसिपी है, तो आपको 2-3 दिन में ही अच्छी खासी कलेजी जमा हो जाती है। तो मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए ये कलेजी जो है वो फिर बना देती हूँ। एक ही टाइम में झटपट बनने वाली भी रेसिपी है। जो दूसरी कलेजी है जो बड़े गोश्त की बीफ की होती है वो थोड़ी सख्त होती है, उसको टाइम ज़्यादा लेती है, और जो चिकन कलेजी है वो तो बिल्कुल ही नरम भी होती है और वो भी बिल्कुल बस चंद ही झटपट मिनटों में बन जाती है। तो ये जो है इसमें मैं इंग्रेडिएंट, वैसे अगर किसी जगह पर मेरी बातों में कुछ गलतियाँ मिस्टेक्स वगैरह हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं हॉनेस्टली स्पीकिंग में पश्तो स्पीकिंग हूँ और मैं उर्दू जो है वो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो पश्तो स्पीकिंग लोग होते हैं वो उर्दू ज़्यादा जो है वो सफाई से नहीं बोल पाते, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलने की कोशिश करूँ। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी उसी तरह से मेरी बातों में और जो है वो सफाई आती रहेगी। तो अगर किसी जगह पर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, और देखते रहिए हमारी वीडियोस, स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह के ईमान में देते हैं, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। हमें अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिए।